विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रामकृष्ण के बारे में कुछ बताओ। विवेकानंद जी ने कहा मत पूछो मुझे, अगर मैंने मेरे गुरु रामकृष्ण के बारे में बताना शुरू किया तो लोग राम और कृष्ण को भूल जाएंगे, ऐसे मेरे गुरु। प्रेम देखो आप उनका अपने गुरु के प्रति, ठीक है। गुरु के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, न शादी की, गुरु के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया कि पूरी दुनिया में उनके दर्शन का प्रचार प्रसार हो। जो करोड़ों रुपए उनको मिले उन करोड़ों रुपए से उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया अपने गुरु के नाम से। जीवन की अंतिम सांस तक अपने गुरु को समर्पित करके और कर्म करते रहे, ये होता है शिष्य। बाइबल पूरी की पूरी गुरुदेव के बारे में है, उसमें गुरुदेव के लिए कहा गया है, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है बहुत से लोग उठ खड़े होंगे, हो सकेगा तो वो उन चुने हुओं को भी भरमा देंगे, और कई लोग चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उनका विश्वास न करना। जो अंत तक धैर्य धारण करे उद्धार उसी का होगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, केवल गुरुदेव है और आप हो और गुरुदेव का मंत्र है, इसके अलावा आपको कोई भी, मैं भी कहता हूं आपको कल को कि ऐसा 30 दिन का सेशन है कि 40 दिन का सेशन है, मुझे बताया गया कुछ गुरु भाइयों ने ऐसा कहा कि गुरुदेव के चरणामृत धोकर के पियो उससे लाभ होगा, तो कल को तो फिर कई गुरु भाई उठ खड़े होंगे। कोई कहेगा गुरुदेव के 40 दिन अगरबत्ती करो तो लाभ होगा, कोई कहेगा गुरुदेव के 40 दिन खीर चढ़ाओ फिर खीर खाने से लाभ होगा, कोई क्या शुरू कर देगा, कोई क्या कर्म कांड शुरू कर देगा। गुरुदेव तो कर्म कांडों से हटा करके और भक्ति मार्ग पे लाए सबको कि केवल नाम ही काफी है। गुरुदेव ने उसको जोर से डांटा, गुरुदेव ने क्या काम है बताऊं आपको, गुरुदेव ने कहा झूठ बोलते हो कि नाम जप करता हूं, नाम जप करोगे तो चलते चलते रोड पे ध्यान लग जाएगा, ये शब्द कहे गुरुदेव ने। तो अब मुझे जो भी कोई व्यक्ति कहता है ना कि मेरा तो ध्यान अच्छा नहीं लगता है और मैं तो नाम जप करता हूं, तो मैं उसको सीधा गुरुदेव वाली बात बोलता हूं कि भाई या तो तू झूठ बोल रहा है या फिर तूने जिसको बहुत समझ लिया है वो बहुत है नहीं, तू बहुत थोड़ा सा नाम जप करता है और उसको तू कहता है कि मैं बहुत नाम जप करता हूं। और दूसरा, किसी गुरु भाई को कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है, सारे गुरु भाई एक ही लेवल के। कोई अगर 10 साल पहले से जुड़ा हुआ है और उसने थोड़ा सा प्रचार कर दिया तो वो केवल और केवल उसके ऊपर गुरुदेव की दया का उदाहरण है कि गुरुदेव ने अयोग्य व्यक्ति से भी कुछ काम करवा लिया, बाकी उसमें और एक व्यक्ति आज नया जुड़ा है उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही स्तर के। और उस स्पीच में गुरुदेव ने बड़ी अजीब बात कही, गुरुदेव ने कहा कि ये सारी शक्तियां तो जन्म से ही मुझ में थी, ये आराधनाएं तो दुनिया को दिखाने के लिए करनी पड़ी मुझे कि ये गायत्री की सिद्धि हुई कि कृष्ण की सिद्धि हुई। या तो ये है कि गुरुदेव अवतार है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं तो तू मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दे, उनकी फोटो से कुंडलिनी कैसे जागृत हो रही अगर वो अवतार नहीं, जिन लोगों को डॉक्टर कह रहा है कोई ठीक नहीं कर सकता वो एड्स कैसे ठीक हो रहा है, मेरे बताए हुए कितने लोग एड्स के ठीक हो गए, तो मैं तो और किसी के भरोसे नहीं, मैं तो खुद ने देखा है। मुझे इतना डर लगा इतने योग ब्रश साधकों को देखने के बाद, मैंने एक नया चीज शुरू कर दी, जो मेरे पांव छूता है मैं उसे वापस पांव छूता हूँ तो कई लोगों ने कहा यार आप वापस हमारे पांव क्यों छू रहे हो मैंने कहा आपको नहीं पता है मैं अपनी जान बचाने के लिए छू रहा हूँ आपके पांव ताकि मैं बाहर नहीं हो जाऊं गुरुदेव के मिशन से। जय गुरुदेव सभी को, और हम जय गुरुदेव सब, जय गुरुदेव सभी का स्वागत है। और आज हम पुनः एक बार आप सभी के सामने जो है वो उपस्थित हुए हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जो एक्चुअल फिलोसॉफी है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गुरु भाई प्रद्युमन सिंह जी जो गुरुदेव की जो एक्चुअल फिलोसॉफी है उस पर प्रकाश डालेंगे और कुछ जो प्रश्न उत्तर है वो हम इनसे करेंगे। तो प्रद्युमन जी का और भुवनेश्वर जी का मैं स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि
अपने व्यस्ततम कार्यकाल में से समय निकाला है इस सेशन के लिए। तो प्रद्युमन जी जय शुरू गुरुदेव करते हैं। प्रद्युमन जी, जय गुरुदेव कर्णिका जी, सभी को जय गुरुदेव। यस, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव आप दोनों को, दोनों श्रेष्ठ योगिनिया हो, गुरु बहने भी हो और खूब अच्छे से आराधना भी कर रहे हो आप लोग। तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है कि भारत की जनसंख्या का जो आधा हिस्सा है, जो मातृशक्ति है, वो ज्यादा चेतन, अभी तीन मातृशक्ति थी, एक में अकेला पुरुष जुड़ा हूँ तो इससे पता चल रहा है कि गुरुदेव का मिशन कौन आगे ले जाएगा। जी गुरु बहन, अब आप आदेश करें, आप किस दिशा में अपन प्रोग्राम को ले जाएं। जी प्रद्युमन जी, पहला थोड़ा सा ये रहेगा कि थोड़ा हम संक्षिप्त में बात करेंगे, जैसे गुरुदेव की जो फिलोसॉफी है तो वो एक्चुअल फिलोसॉफी क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ 40-45 days का भी कुछ चल रहा है इस तरह का कि 40-45 दिन का कुछ कार्यक्रम कीजिए और इस तरह का होता है। तो पहले तो हम इस पे बात करें कि एक्चुअल फिलोसॉफी क्या है, और दूसरा ये है कि ये क्या 40-45, किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर ये 40-45 दिन हम लोग करते हैं और उसका नुकसान क्या है, अगर हम करते हैं हमें कुछ लाभ होता है तो इसमें क्या मतलब, इसके लिए आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो इसके इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्रद्युमन जी। जी 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 देखिए गुरु बहन, ऐसा है कि जैसे गुरुदेव से जुड़े हुए काफी समय हो गया, मुझे भी लगभग 2003 से भगवान ने अपने श्री चरणों में रखा हुआ है और खूब सानिध्य मिला गुरुदेव का। जोधपुर में ही जन्म हुआ, मेरा घर है जोधपुर में, वहीं गुरुदेव ने अपना इंटरनेशनल सेंटर बनाया, तो हर गुरुवार को भाग के गुरुदेव के पास पहुँच जाते थे। और प्रोग्राम के अलावा भी वीक में जब भी समय मिलता था, जब भी उनका आदेश होता था, तो उनके श्री चरणों में पहुंच जाते थे और प्रभु ने खूब सानिध्य दिया अपना उनकी। मैं तो अपने आप को लायक नहीं समझता शिष्य बनने के, लेकिन गुरुदेव ने जिसको कहते ना अहेतु की कृपा, बिना कारण ही दया जिस पे आ जाती है, तो उसी दया की वजह से जो है गुरुदेव ने अपने शरण में ले लिया। थोड़ा सा इस बारे में बताऊं गुरुदेव की फिलोसॉफी के बारे में, उससे पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं आपको। देखिए मैं जब गुरुदेव से जुड़ा था तो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं साइंस का विद्यार्थी था, पापा डॉक्टर थे और थोड़ा धर्म वर्म पे विश्वास कम ही था और साइंटिफिक अप्रोच के लोग थे। और गुरुदेव से जब जुड़े तो ऐसा लगा कि यार ये धर्म वाले लोग ये साइंस वालों से पंगा क्यों ले रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं एड्स ठीक हो रहा है और ये लोग ठीक हो रहे हैं और ऐसा ऐसा, तो इस अप्रोच से गुरुदेव के साथ जुड़े। शायद पिछले प्रोग्राम में उमेश सिंह जी भी जुड़े थे, वो मुझे बता रहे थे, भुवनेश्वरी जी, तो हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे उस समय और एक गुरु भाई थे, वो कोई ध्यान कराने के लिए आए थे उस समय, तो हम लोग जुड़े। तो उमेश सिंह जी को भयंकर अस्थमा था और मृत्यु उनके सामने खड़ी थी, और अगर गुरुदेव नहीं मिले होते, वो खुद भी कहते हैं कई बार अगर गुरुदेव नहीं मिले होते तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। ये जो जिंदगी, गुरुदेव ने बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो आज अगर जिंदा है तो वो गुरुदेव की केवल कृपा मात्र की वजह से जिंदा है। तो ऐसे जो डिसाइपल्स हैं वो फिर झूठ तो नहीं बोले, उनको पता है जिंदगी गुरुदेव की दी हुई। तो इतने साल गुरुदेव के श्री चरणों में उन्होंने अपने पास रखा और दर्शन को अपने समझने का मौका दिया, खूब कार्य का यंत्र बनाया, अयोग्य मुझे, मैं तो अपने को बहुत अयोग्य मानता हूँ, मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी उन्होंने अपने कार्य का यंत्र बनाया, उनकी मानता है तो वो पत्थरों से भी कार्य करवा लेते हैं। तो इतने सालों में जो एक चीज समझ में आई वो ये समझ में आई कि गुरुदेव जो है वो कोई साधारण गुरु नहीं है। जैसे इस धरती पे कई गुरु हुए, जैसे गुरु नानक भी एक गुरु थे, है ना, और रामकृष्ण परमहंस भी गुरु थे, बहुत से गुरु इस धरती पे होते आए, लेकिन महर्षि अरविंद ने स्पष्ट लिखा है कि ये संसार जो है अब उस स्थिति तक स्थितियां खराब हो चुकी है कि अब ऋषि मुनि संतों गुरुओं
विभूतियों के बस की बात नहीं। इसलिए अरविंद ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कि अब केवल अवतार यदि हो जाए, धरती पर आ जाए, तो ही कुछ हो सकता है, वरना अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए महर्षि अरविंद ने पूरी जिंदगी पांडिचेरी में रह करके आराधना की, और उनकी आराधना में उनकी सहयोगिनी बनी फ्रांस की एक महिला, जिसका वहां नाम मीरा रखा गया। बताओ, भारत में लोग मीरा रखते हैं, फ्रांस में कौन नाम रखता है, लेकिन उसका नाम मीरा रखा गया। वही आगे मदर या श्री माँ कहलाई, और उन्होंने भक्ति की। और पूरी जिंदगी जब उन्होंने नाक रगड़ी भगवान के सामने कि हे प्रभु, अब तो आप आओ, आपके बिना कोई कर नहीं पाएगा, तो जिस दिन गुरुदेव का जन्म हुआ है 24 नवंबर 1926, उसको अरविंद आश्रम में सिद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिद्धि दिवस मतलब जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आखिर अरविंद पकड़ के नीचे ले आए, उसको हाथ जोड़ के नीचे ले आए कि अब तो आना पड़ेगा। तो वो गुरुदेव का जन्मदिन है। और महर्षि अरविंद ने बाद में लगभग 32 के आसपास अपनी घोषणा की कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का भौतिक देह में अवतरण हुआ। तो गुरुदेव कोई गुरु है या कोई साधारण गुरु है, ऐसा मामला नहीं। गुरुदेव साक्षात अवतार, भगवान विष्णु कह दो, कृष्ण कह दो, नारायण कह दो, हरि कह दो, वो वासुदेव स्वयं है। और आज सुबह ही लकीली मैं आपको बताऊं, गुरुदेव के शिष्यों को जब कोई चीज बोलनी होती है ना, प्रभु स्वयं ही उसको यंत्र को दिखा देते हैं, बेटा यही जाके बोल। आज सुबह जो है स्नान करते करते गुरुदेव का एक स्पीच सुन रहा था, और उस स्पीच में गुरुदेव ने बड़ी अजीब बात कही। गुरुदेव ने कहा कि ये सारी शक्तियां तो जन्म से ही मुझ में थी, ये आराधना है तो दुनिया को दिखाने के लिए करनी पड़ी मुझे कि ये गायत्री की सिद्धि हुई कि कृष्ण की सिद्धि हुई। गुरुदेव ने खुद ने स्पीच में स्पष्ट कहा है कि ये सब तो मुझ में जन्म से ही थी, ये तो लोगों को दिखाने के लिए आराधना करनी पड़ी। कभी कभी गुरुदेव स्पष्ट कहते थे मैं ही कल्कि अवतार हूं। एक दो मूर्ख मुझे यहाँ मिले अजमेर में, वो बोले कि यार गुरुदेव तो खुद ही कह रहे हैं मैं कल्कि अवतार हूं, ऐसे कैसे है ये व्यक्ति। तो मैंने उससे कहा कि भाई देख, दो स्थिति हो सकती है, या तो ये झूठ है या तो ये सच है, या तो ये है कि गुरुदेव अवतार है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं तो तू मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दे, उनकी फोटो से कुंडलिनी कैसे जागृत हो रही अगर वो अवतार नहीं। जिन लोगों को डॉक्टर कह रहा है कोई ठीक नहीं कर सकता, वो एड्स कैसे ठीक हो रहा है, मेरे बताए हुए कितने लोग एड्स के ठीक हो गए, तो मैं तो और किसी के भरोसे नहीं हूं, तो खुद ने देखा है। मेरे दीदी की शादी की सगाई की डेट गुरुदेव ने 8 महीने पहले बताई, और एग्जैक्ट उस तारीख को ही वैसा हुआ। इसका मतलब गुरुदेव भविष्य भी जानते हैं, दिखाते हैं। तो मैं कहा या तो ये है कि गुरुदेव झूठ बोल रहे हैं तो ये सब कैसे, और ये दूसरा हो सकता है कि गुरुदेव सच बोल रहे हो। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ पूरी जिंदगी रहा, और गीता के उपदेश में 11वें अध्याय से पहले तक अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या जवाब देता है, भगवान कहते हैं कि ये योग का ज्ञान मैंने ही सूर्य को दिया। तो अर्जुन नारायण से पूछता है कि भगवान कि हे वासुदेव, आप तो अभी पैदा हुए हैं, सूर्यदेव तो प्राचीन काल के हैं, मैं कैसे मान लूं कि योग का ज्ञान आपने उनको दिया। मतलब जो अर्जुन भगवान का प्रियतम सखा है वो भी नहीं पहचान सका कि अवतार हैं। तो उस अवतार के अतिरिक्त और कौन बता सकता है कि भाई मैं ही हूं। और जब वो कहता है कि हाँ मैं अवतार हूं, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए तो कई मूर्ख ये कहते हैं कि अरे ये तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं अवतार हूं। तो भाई उनके अतिरिक्त कोई जानता ही नहीं है ना अपने आप को, कभी कभी वो कह देते हैं दया करके। तो गुरुदेव जो है वो गुरु नहीं है, गुरुदेव साक्षात 10वें अवतार हैं। भुवनेश्वरी जी खुद गवाह हैं, इनको दिखे हैं ध्यान की अवस्था में। मेरी पत्नी को, मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं, मेरी पत्नी को मेरी शादी 3 बार दिखी होने से पहले शादी, और 2 बार कहां दिखी, जामसर में दादा गुरुदेव की समाधि पे। और उसको दादा गुरुदेव कभी नहीं दिखे गंगाईनाथ जी की तरह, उसको दादा गुरुदेव हमेशा दिखते थे शिव रूप में, गंगाईनाथ जी दिखते थे और फिर वो गायब हो जाते थे, फिर शिव दिखने लगते थे। और कभी वो
त्रिशूल हाथ में लेके नाचते हुए दिखते थे, तो कभी वो बाघम्बर पहने हुए दिखते थे, तो वो भोलेनाथ के रूप में दिखते, हमेशा उसको शिव के रूप में दिखते हैं। और गुरुदेव ने एक बार कहा भी था कि ये इस बार पैक्ट हुआ है शिव और विष्णु में, कि शिव भी जाएंगे गुरु बन के और फिर विष्णु आएंगे। तो ये इस स्तर का मामला है। गुरुदेव जो है हम जैसे हो सकता है नालायक शिष्य ना समझ पाए, लेकिन जिनके लिए गुरुदेव आए हैं वो युगों युगों तक गुरुदेव को कल्कि अवतार के रूप में पूजेंगे, और दादा गुरुदेव को आदिनाथ जो नाथों के नाथ है उसके रूप में, शिव के रूप में पूजेंगे। ये तो बात हो गई कि गुरुदेव है कौन। फिर गुरुदेव ने बार बार, जैसे हम लोग काफी समय गुरुदेव के सानिध्य में रहे, जोधपुर आश्रम में लोग आते थे पूछते थे, अगर 10 लोग गुरुदेव से पूछते थे गुरुदेव क्या करना है हमारी ये प्रॉब्लम है, तो गुरुदेव 9 को गुरुदेव जवाब देते थे कि बेटा नाम ही चाबी, नाम जपो। ऐसा कोई स्पीच नहीं है गुरुदेव का जिस स्पीच में गुरुदेव ने तुलसीदास जी की लाइन न बोली हो, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी समरी नर उतरे पारा। अच्छा, तुलसीदास जी ने जानबूझ के केवल शब्द का प्रयोग किया इसमें, केवल नाम आधारा मतलब और कुछ है ही नहीं, न 40 दिन है, न कोई 45 दिन है, न कोई 50 दिन है, कुछ भी नहीं, केवल नाम आधारा, नाम ही जपना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। तो अब गुरुदेव की फिलोसफी में कोई एडिशन करता है, ऑल्ट्रेशन करता है, और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनको लाभ भी हो रहा है, कुछ को कह रहे हैं कि हमको नुकसान हो गया, उल्टा उल्टा हम बीमार पड़ गए। तो बाइबल पूरी की पूरी गुरुदेव के बारे में है, उसमें गुरुदेव के लिए कहा गया है, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है, बहुत से लोग उठ खड़े होंगे, हो सकेगा तो वो उन चुने हुओं को भी भरमा देंगे, और कई लोग चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उनका विश्वास न करना, जो अंत तक धैर्य धारण करे उद्धार उसी का होगा। ये बहुत स्पष्ट रूप में जो है ये बाइबल में भी लिखा है, गुरुदेव के दर्शन में भी हुआ। अच्छा, चूंकि प्रचार से बहुत सालों से जुड़े रहे, गुरु परिवार से बहुत सालों से जुड़े रहे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी मेरे देखने में आई, जो दिल की बात है तो आपसे शेयर जरूर करूंगा। वो ये है कि बहुत सारे शिष्य गुरुदेव के ऐसे हैं जो आराधना करते करते दिव्य अवस्थाओं तक पहुंच गए, और बहुत अच्छा आध्यात्मिक जीवन अभी जी रहे हैं, उनसे गुरुदेव कार्य का मौका देते हैं तो कार्य भी करते हैं। कुछ लोगों गुरुदेव ने फॉरेन भेज दिया, वो वहां रह करके आनंद में गुरुदेव की आराधना कर रहे हैं और भौतिक जीवन का परम आनंद ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कुछ नहीं थे, आराधना करने से बहुत कुछ हुए। साथ ही दुख की बात यह है, ऐसे भी बहुत सारे शिष्य जो है वो देखने में आए, जो बहुत अच्छी स्थिति चल रही थी उनकी, और बाद में उनकी आराधना का अपहरण हो गया। गुरुदेव, आपको पता नहीं होगा शायद, कर्णिका जी जानते होंगे, पहले जुड़े होंगे, तो गुरुदेव पहले जब मंत्र दिया करते थे तो गुरुदेव रोक लगाते थे कि मंत्र किसी और को नहीं बताना है उसको जो दीक्षा में नहीं आया। फिर गुरुदेव उदाहरण देते थे लक्ष्मण जी का, कि लक्ष्मण ने सीता के चारों ओर जो एक बाण से रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा, वो कोई गढ़ की दीवार नहीं थी, लेकिन रावण जानता था इसमें क्या ताकत, तो अंदर नहीं जा सका, सीता जी को बाहर बुला के उनका अपहरण कर लिया। तो गुरुदेव कहते थे बेटा यहां भी एक लक्ष्मण रेखा है, अगर इसका पालन नहीं करोगे तो जैसे वहां अपहरण हुआ सीता जी का, तो आराधना का अपहरण हो जाएगा। रावण तक ने मर्यादा का पालन किया, बताओ लक्ष्मण रेखा की मर्यादा का। तो बहुत से गुरु भाई गुरु बहन ऐसे भी यहाँ देखने में आए, जो सीधे सीधे चल रहे थे, बहुत अच्छे से जो है प्रचार कार्य कर रहे थे, और देख के उनको लगता था कि देखो भाई बहुत अच्छे गुरुदेव के डिसाइपल हैं, और बाद में वो लोग बिल्कुल ही एकदम भ्रष्ट हो गए। एक शब्द है योग भ्रष्ट, अगर आपने सुना हो तो, बहुत से लोग हुए। मुझे जो मोटा मोटा कांड समझ में आया इतने सालों में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या गलती हो गई इनसे, तो
एक बहुत सिंपल सी बात है गुरु बहन, वो ये है कि इस आराधना में केवल और केवल अगर श्रेष्ठ हैं तो गुरुदेव ही हैं, वो ही दाता हैं, और हम सब भिखारी हैं। हम सबके औकात एक भिखारी एक याचक से ज्यादा नहीं है। पर होता क्या है कि कुछ लोग किसी भी कारण से, ज्यादा प्रचार कार्य कर लो, कुछ भी कारण से मान लो, वो लोग ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं इस दर्शन के अंदर, और उसमें हमारी गलती बहुत ज्यादा, गुरु भाइयों को गुरु बहनों की गलती है उनके बर्बाद होने में उनके योग भ्रष्ट होने में हमारा भी बराबर का योगदान। तो कुछ गुरु भाई गुरु बहन क्या करते हैं, उनको अधिक सम्मान देना शुरू करते हैं, अत्यधिक सम्मान देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, अरे साहब आप तो देखिए ऐसा, आप तो इतना बढ़िया बोलते हैं, अरे साहब आप तो बहुत ही महान है, आप तो गुरुदेव के गजब के यंत्र हैं, तो आप तो ये हैं, तो आप तो फलाना है। और धीरे 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 वो जो साधक होता है उसको पता ही नहीं चलता है कि कब कीर्ति रूपी ये पिशाचिनी जो है, ये सम्मान और मान की जो ये जो भूख है, ये कब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करते 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 उसको इस आराधना से नीचे उतारती रहती है। और एक दिन आता है जब उसको पता चलता है कि अला मेरा सब कुछ लूट चुका है। ये बहुत ज्यादा मैंने देखा प्रचार कार्य में, और मुझे इतना डर लगा इससे। जैसे मैं मेरा बताऊं, मैं चूंकि टीचर हूं या डायरेक्टर हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो कोरोना से पहले तो हजारों बच्चों को पढ़ाते थे, अब कुछ 100 पे आ गए कोरोना की वजह से, तो 1-2 हजार बच्चों को तो हमेशा रोज ही पढ़ाते थे, रोज ही बोलने का ही काम होता है, 7 से 8 घंटे रोज बोलते हैं खड़े होकर के। आरएएस के, यूपीएससी के, आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल हो ही जाता है गुरुदेव कृपा से डेवलप। अब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां भी वही होता है, 2-3 हजार लोग होते हैं मोस्टली, जितने हम रोज ही पढ़ाते हैं उतने बच्चे होते हैं, उतने नए साधक होते हैं, तो ठीक ठाक बोल लेते हैं गुरुदेव की दया से। अब होता क्या है कि कई लोग उस प्रोग्राम के बाद, जैसे मैं मेरा बताऊं, प्रोग्राम के बाद वो क्या करते हैं, आते हैं पांव छूते हैं। वो ये देखते हैं कि ये आदमी मंच पे खड़ा होकर गुरुदेव के बारे में बोल रहा था, तो अब इसके पांव छुओ। मुझे इतना डर लगा इतने योग व्रत साधकों को देखने के बाद, मैंने एक नया चीज शुरू कर दी, जो मेरे पांव छूता है मैं उसके वापस पांव छूता हूं तो कई लोगों ने कहा, यार आप वापस हमारे पांव क्यों छू रहे हो? मैंने कहा, आपको नहीं पता है मैं अपनी जान बचाने के लिए छू रहा हूं आपके पांव ताकि मैं बाहर नहीं हो जाऊं गुरुदेव के मिशन से। आपको पता नहीं है आप मुझे जो सम्मान दे रहे हो उस सम्मान की कितनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी कि मैं एक दिन आउट हो जाऊंगा इस मिशन से। और मैं देखता हूं कई गुरु भाइयों को, जो चाहे थोड़े एज में है या जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रचार कार्य किया है, कई प्रोग्राम्स में जाता हूं तो देखता हूं लोगों की भीड़ उनको घेर लेती है, लोग आ रहे हैं पांव छू रहे हैं, वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ी दया आती है जब मैं उनको देखता हूं। आई रियली फील पिटी फॉर देम एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेचारे जो हैं ये समझ ही नहीं रहे, लोग उनको एक छोटा गुरुजी टाइप मानने लगते हैं कि ऊपर तो रामलाल जी से आ गए और ये भी जो है कुछ पांव वाव छूने योग्य। बेचारे नए साधक गुरु भाई जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि बाकी सब भिखारी हैं, याचक हैं, दाता केवल एक ही हैं, और वो है कल्कि अवतार स्वयं। वो ही हैं जो सभी भिखारियों को उनकी कटोरे के अंदर, किसी का कटोरा थोड़ा बड़ा है किसी का छोटा है, बस इतना सा अंतर, कटोरे के साइज में तो डिफरेंस हो सकता है, औकात में तो कोई डिफरेंस नहीं, हैसियत तो सबकी यही है कि सब याचक ही हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। और मैं आपको बताऊं, एक अपने यहाँ के अजमेर के गुरु भाई हैं, मैं उनका अनुभव बताऊं आपको ताकि लोगों को पता चले कि क्यों वो गलत कर रहे हैं अगर वो कहीं भी डाइवर्ट हो रहे हैं। तो एक गुरु भाई है अपने अजमेर के, पुखराज जी नाम है उनका, बड़े समर्पित गुरु भाई हैं, और वो क्या जामसर जाते थे और गुरु माँ के भी दर्शन करते थे, और ऐसा ऐसा उनके साथ रहा। वो बीच में किसी कारण से जो है कहीं गुरुदेव का कहीं सिद्ध स्थान था, वहां गए, शायद जोधपुर आश्रम गए, और उनको ध्यान की अवस्था में गुरुदेव, आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, उनको ध्यान की अवस्था में गुरुदेव ने कहा कि तेरा गुरु तो मैं हूं,
गंगा ही नाथ जी की पूजा तो मैं कर चुका हूँ, और वो रोए जोर जोर से ध्यान की अवस्था। वो क्या गुरु माँ की एक फोटो भी ले आए थे और गुरु माँ की फोटो के भी वो जो है पूजा वूजा करते थे, तो गुरुदेव ने कहा ये तो मेरे पीछे है। और वो बोले कि मैं तब तक रोता रहा जब तक मैंने गुरुदेव से वादा नहीं किया, गुरुदेव आज के बाद किसी को नहीं पूजूंगा सिवाय आपके, आप ही गंगा ही नाथ जी हो, आप ही गुरु माँ हो, आप ही सारे काजलवास के नाथ हो, आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो भगवान को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके अलावा किसी की आस्था कहीं 1% भी कहीं हो। जो भी नए गुरु भाई, पुराने गुरु भाई, जो भी कहीं जो अगर इस प्रोग्राम को देखें सुने, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, केवल गुरुदेव हैं और आप हो और गुरुदेव का मंत्र है। इसके अलावा आपको कोई भी, मैं भी कहता हूं आपको कल को कि ऐसा 30 दिन का सेशन है कि 40 दिन का सेशन है, मुझे बताया गया कुछ गुरु भाइयों ने ऐसा कहा कि गुरुदेव के चरणामृत धोकर के पियो, उससे लाभ होगा। तो कल को तो फिर कई गुरु भाई उठ खड़े होंगे, कोई कहेगा गुरुदेव के 40 दिन अगरबत्ती करो तो लाभ होगा, कोई कहेगा गुरुदेव के 40 दिन खीर चढ़ाओ फिर खीर खाने से लाभ होगा, कोई क्या शुरू कर देगा, कोई क्या कर्म कांड शुरू कर देगा। गुरुदेव तो कर्म कांडों से हटा करके और भक्ति मार्ग पे लाए सबको कि केवल नाम ही काफी है, केवल भगवान कृष्ण का जो नाम है, राधा कृष्ण का जो नाम है, जिसको गुरुदेव ने जप के सिद्ध कर दिया वो ही काफी। तो क्यों ये नए नए जो कर्म कांड जोड़े जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है अंततः जो लोग योग भ्रष्ट हुए हैं उनकी लिस्ट और लंबी होगी। जो लोग केवल गुरुदेव की इतनी सरल आराधना, जिसमें गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मतलब हम लोग शायद 20-21 साल गुरुदेव के श्री चरणों में रहे या 15-21 साल रहे, इतने सालों में गुरुदेव से कभी नहीं सुना कि कुछ और करने की जरूरत। गुरुदेव कहते थे बेटा केवल नाम जपो, 2 समय ध्यान करो और प्रार्थना करो मुझसे। प्रार्थना का बहुत, आप सब्जेक्ट हो, आप सरेंडर करो, एकनिष्ठ हो जाओ। आपको आश्चर्य होगा, एक एड्स का पेशेंट था दिल्ली में, गुरुदेव ने मेरे माध्यम से उसको जोड़ा था, तो मैं उसको लेके गुरुदेव दिल्ली आए हुए थे, और वो पेशेंट था, तो गुरुदेव से पूछा मैंने उसकी तरफ से, मैं गुरुदेव एड्स का पेशेंट है, ये गुरुदेव दवाई ले रहा है, तो आपको पता है गुरुदेव ने क्या कहा? जो लोग चरणामृत पी रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एड्स का पेशेंट था और दवाई ले रहा था, और गुरुदेव से पूछा, मैं गुरुदेव दवाई लेता है और ध्यान भी करता है तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा बेटा दवाई लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आस्था 2 जगह डिवाइड होती है, आधी आस्था दवाई में, आधी आस्था मंत्र में। अगर बिल्कुल ही बैठ गया है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो दवाई चलने दो, अगर चलता फिर गुरुदेव के श्रीमुख के शब्द बता रहा हूं मैं, एक एक शब्द उनका ऐसे लगता है जो अभी बोला है गुरुदेव ने, ऐसा याद रहता है गुरुदेव का कहा हुआ। गुरुदेव ने कहा बेटा अगर चलता फिरता है तो दवाई की कोई जरूरत नहीं, केवल मंत्र पर बेस हो जाइए तो 40 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाओगे। तो जहां गुरुदेव कह रहे हैं कि दवाई से भी आस्था डिवाइड होती, वहां कोई कह रहा है कि नहीं चरणामृत की जरूरत है, आदि मंत्र भी जपो और चरणामृत भी लो, तो ये हलवा भी खाओ तो गुरुदेव के चढ़ा करके हलवा, कल को कोई कहेगा हलवा खाने से लाभ होगा, परसों कोई और कोई चीज लेकर के आएगा कि ये करने से लाभ होगा। तो दुख की बात, दुख भी होता है, पुराने गुरु भाई हैं और अच्छा भला चल रहे थे, मैं तो सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक था, लोगों को भेजता था कि जाओ वो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी जाओ अपना इंटरव्यू दो, और फिर देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि यार क्यों ऐसा होता है गुरुदेव आपके साधक। अच्छा एक चीज और सुबह आज सुनने को मिली, वो भी निवेदन करूं मैं आपसे। गुरुदेव ने गजब की बात कही, गुरुदेव ने कहा कि मैं आगे चक्र पे ध्यान करवाता हूं, लेकिन कई लोग नीचे के चक्रों पर ध्यान करवाते हैं। होता है आप विपश्यना में चले जाएं, श्री श्री रवि शंकर के चले जाएं, कई जगह चले जाएं, तो लोग आगे चक्र से नीचे के चक्रों पे भी ध्यान करवाते हैं। तो गुरुदेव ने उस स्पीच में कहा कि नीचे उस विशिष्ट शक्ति का ध्यान करोगे तो लाभ तो हो जाएगा किंतु भौतिक,
नश्वर चीज हासिल होगी, इस देह के समाप्त होते ही वो लाभ खत्म हो जाएगा। अविनाशी से नहीं जुड़ोगे, आने जाने के इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए मैं यहां ध्यान करवाता हूं, उस अविनाशी से जुड़ो तो अविनाशी चीज हासिल होगी। तो जो भी गुरु भाई बहन ऐसी चीज कर रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूं कि आपको क्या हासिल हो जाएगा। हो सकता है आप थोड़ा धन कमा लें गुरु भाइयों को भटका करके, हो सकता है आप धन के पीछे ना पड़े हो, आप कीर्ति के पीछे पड़े हो, हो सकता है आपका थोड़ा नाम हो जाए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, आराधना के तीन ही दुश्मन है, कामिनी, कंचन और कीर्ति। तो उसमें कीर्ति सबसे भयंकर, नाम जो है ना, इसलिए कोई मुझे तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट देता है तो मैं उसी से मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैं कहा ये मुझे मिशन से आउट करने का आ गया है व्यक्ति, ये थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है, सावधान हो जाओ इससे बिल्कुल। और मैं कई लोगों को देखता हूँ, पुराने गुरु भाइयों को, कुछ बीकानेर के हैं, कुछ कहाँ के हैं, जब भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं लोग आते हैं, उनके चरण छू रहे और वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल भूल गए कि हम भिखारी हैं भाई, हम तो यहाँ कटोरा लेकर के खड़े हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, उनसे मांगने के लिए आए हैं, ये हमको सम्मान क्यों दिया जा रहा है, हम तो लायक ही नहीं किसी सम्मान के। एक भिखारी दूसरे भिखारी का सम्मान देकर के क्या कर लेगा वो तो बेचारा खुद ही लाइन में खड़ा हुआ है। तो किसी भी गुरु भाई को अगर आप चाहते हो आउट करना तो उसको थोड़ा ज्यादा सम्मान दो, वो पक्का आउट हो जाएगा, मिशन छूट जाएगा उसका। और दूसरा, भगवान कृष्ण, आपको निवेदन करो, मैंने किताब पढ़ने में आई गुरुदेव की कृपा से, एसेज ऑन गीता, महर्षि अरविंदो घोष ने लिखी। महर्षि अरविंद की सबसे मतलब अच्छी किताबों में से किताब है एसेज ऑन गीता, गीता के ऊपर पूरा उन्होंने लिखा। और मैंने पढ़नी शुरू की, फिर गुरुदेव मुझे एक पर्टिकुलर जगह ले गए, वो चैप्टर पढ़ा, उसमें अरविंद ने गजब की बात कही। अरविंद ने कहा है कि पूरी गीता का सार लोग पता नहीं कैलेंडर पे लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, कर्म किए जा रही है ये। अरविंद कहते हैं कि गीता का सार आपको अलग से जानने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने 18वें अध्याय में खुद ही कह दिया है कि हे अर्जुन तू मेरा प्रियतम से भी प्रियतम है, इसलिए मैं तुझे अब सार वापस से समझा देता हूँ लास्ट चैप्टर में। और फिर भगवान एक श्लोक कहते हैं जो सभी गुरु भाई बहनों को 24 घंटे याद रखना चाहिए, और अरविंद कहते हैं कि पूरी गीता का सार ये एक श्लोक, और वो श्लोक है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ ये है, सर्व धर्मान परित्यज्य, तेरे सारे धर्मों को, आस्थाओं को, जहां तेरी आस्था है परित्यज्य छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, माम एकम यानी एक और केवल एक में, शरणम रज, मेरी शरण में आजा, सब छोड़ दे और केवल एक मेरी शरण में आजा। अगर तू ऐसा करता है तो वो आगे कहते हैं, अहम त्वाम सर पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुच, तू शोक मत कर। ये भगवान की शर्त है, वासुदेव कृष्ण जिसका हम नाम जप रहे हैं, जो गुरुदेव है साक्षात, उनकी शर्त है कि सब कुछ छोड़ के केवल एक मेरी शरण में आएगा तो ही मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करूंगा। अगर तेरी आस्था थोड़ी सी भी इधर उधर है, थोड़ी आस्था चरणामृत में है, थोड़ी आस्था भैरुजी में है और थोड़ी आस्था और कहीं है, तो आप देख लो फिर आपका क्या होने वाला है। क्या आप भगवान की शर्त को पूरा कर रहे हो? और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप डिजायर्ड जो रिजल्ट है उसकी आशा कैसे कर सकते हो, है ना? जब गुरुदेव को ये पसंद नहीं है कि कोई उनको छोड़ करके दादा गुरुदेव और गुरु माँ के प्रति आस्था रखे, जब कृष्ण को ये पसंद नहीं है कि मेरे अलावा और कहीं किसी की 1% भी आस्था हो। आपको पता है मैं गुरु माँ को बहुत सम्मान देता हूँ, बहुत मानता हूँ, उसका केवल एक कारण है, और वो कारण ये है कि मैं जब भी गुरु माँ के पास गया हूं उन्होंने हर बार ये कहा कि बेटा मैं तो गुरु जी ला रहे हूं, यानी मैं तो गुरुदेव के पीछे हूं, इनकी तपस्या करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, यहां तक कि हम उनकी फोटो कैसे तो मना करते, बेटा मेरी फोटो मत खींचो, मेरी फोटो किसी को मत दो। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो स्वयं कहती हैं कि जो है सो गुरुदेव,
गंगाईनाथ जी ने सारी शक्ति गुरुदेव को दे दी। अब ये नए नए शिष्य गुरुदेव के पता नहीं कहां से पैदा हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि ये अनुष्ठान करो 40 दिन का करो। कल एक गुरु भाई आके बोलेगा नहीं 1 साल का अनुष्ठान करो, फिर को कहेगा 15 साल का अनुष्ठान करो। तो ये सब मेरे हिसाब से बेचारे खुद भटके हुए लोग हैं और दूसरों को योग भ्रष्ट करने के अतिरिक्त और कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। जितना मुझे गुरुदेव ने समझाया दर्शन वो है, और दूसरा किसी गुरु भाई को कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं, सारे गुरु भाई एक ही लेवल के। कोई अगर 10 साल पहले से जुड़ा हुआ है और उसने थोड़ा सा प्रचार कर दिया तो वो केवल और केवल उसके ऊपर गुरुदेव की दया का उदाहरण है कि गुरुदेव ने अयोग्य व्यक्ति से भी कुछ काम करवा लिया। बाकी उसमें और एक व्यक्ति आज नया जुड़ा है उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही स्तर के। हम लोग तो जैसे मैं अजमेर से हूँ, अजमेर आश्रम से जितने भी गुरु भाई गुरु बहन जुड़ते हैं प्रचार कार्य करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आप कभी आए अजमेर है ना, एडिशनल SP लेवल के, DYSP लेवल के, डायरेक्टर लेवल के, बड़े अच्छे एजुकेटेड लोग जो इस आराधना से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने एक बना रखा है कि चाहे मंच पे बोले चाहे कोई भी काम करे सब झाड़ू लगाएंगे लास्ट में, जो प्रोग्राम होता है सब दरिया समेटेंगे और सब झाड़ू लगाएंगे। क्योंकि ऐसा करने से किसी को कोई गलत फहमी नहीं होती कि मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ, कि मैं मंच पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मैं कुछ ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। इसलिए हम सब ने नियम बना रखा है, कोई पैसे वाला है कि अधिकारी है कि गरीब है कि अमीर है, लास्ट में सारा जो भी स्थान है वहां झाड़ू वाड़ू लगाओ, दरिया वरिया बिछाओ, सारा ये काम करो, क्योंकि हम सब भिखारी। और जिसको अपनी औकात नहीं याद रहेगी वो योग भ्रष्ट होगा ही होगा, आज नहीं तो 2 साल बाद होगा। आप मेरे से लिखवा के ले लो। मैं इतने गुरु भाई बहनों को जानता हूं जिनका गुरुदेव ने नाम लिया मंच से और लोग उनकी तारीफ करें कि वो गुरुदेव तो आपका मंच से नाम ले रहे हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं। आज वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता ही नहीं चला उनको वो कब आउट हुआ इस मिशन से। तो ये है गुरु बहन, बाकी जो है ये तो अनंत है, हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। आप फरमाएं और आदेश करें किस दिशा में जानना चाहें अपन। जी, ये गुरु भाई ये बोल के जो उपाय दे रहे हैं कि गुरुदेव ने एक प्रयोगशाला शुरू की थी और गुरुदेव के आदेश से ये जो उपाय दे रहे हैं और गुरुदेव ने ये उपाय देने को उनको आदेश दिया है, क्या ये सही है? ऐसे कुछ प्रयोगशाला गुरुदेव ने शुरू किए थे? अच्छा तो गुरुदेव ने अगर ऐसी कोई प्रयोगशाला शुरू की होती तो हम जैसे जो लगातार उनकी कृपा से प्रचार कार्य से जुड़े रहे हम लोगों को भी थोड़ा बहुत पता होता। और गुरुदेव अपनी किताब में भी कहीं ना कहीं उसका उल्लेख कर देते कि भाई मैं ऐसी ऐसी प्रयोगशाला का उल्लेख कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या है गुरु बहन कि जब किसी व्यक्ति के इस दर्शन से आउट होने का समय आता है तो वो क्या करता है, इसी तरह की ऊटपटांग हरकतें करना शुरू कर देता है और वो उस लोहे के टुकड़े की तरह है जो न खुद तैर सकता है और न जो उसका सहारा लेता है कि मैं डूबने से बचाए, तो वो भी डूबेंगे उनके साथ। तो इस तरह का मामला है। दुख सिर्फ इस बात का है कि जो बेचारे नए साधक जुड़ रहे हैं, जो गुरुदेव के नए, हम लोग जैसे आप प्रचार कर रही हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम दिन रात अपना पैसा जेब का लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, वो गुरुदेव की दया है कि उन्होंने अपने इस अयोग्य शिष्यों से भी काम करवा रहे हैं, उसमें हमारा कुछ भी महान नहीं है, वो महान केवल गुरुदेव ही है। लेकिन कितने गुरु भाई बहन प्रचार में अपना तन मन धन लगा रहे हैं तब नए लोग जुड़ते हैं, और जो नए लोग जुड़ते हैं उनको हमारा क्या स्वार्थ है कि नए लोग जुड़ जाएं तो हमको क्या कुछ उसमें मिल जाएगा? यही है ना कि हमारे गुरु का जो ज्ञान है उसका प्रसार पूरे भूमंडल पर हो। गुरुदेव ने बार बार कहा है मेरी जिंदगी का उद्देश्य है कि ये दर्शन विश्व दर्शन हो। तो इतने प्रयासों के बाद जब कुछ नए लोग जुड़ते हैं और फिर उन नए लोगों को कोई पत भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, भरमाने की कोशिश करता है, ये कहता है कि हमको गुरुदेव ने ऐसा कहा है,
हम ऐसा नई प्रयोगशाला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, गुरुदेव से जितनी बार लोगों ने कुछ पूछा है, गुरुदेव ने बार बार एक ही बात कही और वो कहा है कि केवल नाम जपो, आस्था डिवाइड मत होने दो, और मेरी फोटो से प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो इतने वर्षों में गुरुदेव ने कभी इसी तरह की कोई बात कही नहीं। दूसरा, गुरुदेव जो कुछ भी कर रहे हैं, गुरुदेव ने कई बार कहा है ये शास्त्रोचित कार्य कर रहा हूं मैं। क्या गुरुदेव अकेले हैं जो ये कहते हैं कि नाम जपो? क्या गुरुदेव ने कुछ नया शुरू किया है? क्या मंत्र की महिमा क्या गुरुदेव ने ही कही है? नहीं। आप जितने योगियों को पढ़ो, जितने गुरुओं को पढ़ो, हमारे शास्त्र उठा करके देखो, जैसे भगवान कृष्ण जिनका हम नाम जप रहे हैं, वो वासुदेव क्या कहते हैं? वो कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं हे अर्जुन, उन सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। उन्होंने तो नहीं कहा कि बेटा ऐसे जो है यज्ञ कुंड बना और उसमें घी की आहुति दो और 40 दिन तक आहुतियां दो उसके अंदर और ये करो तो वो करो। वो तो कहते हैं जितने कर्म कांडी यज्ञ हैं, उन कर्म कांडी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें नाम जप सबसे उत्तम यज्ञ। तो वो तो कह रहे कर्म कांडों से दूर रहो, और दूसरा कोई गुरुदेव का शिष्य मतलब एक भिखारी जो आपके और मेरे स्तर का व्यक्ति है, वो हमें गुरुदेव के दर्शन से अलग कोई बात कहे कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा करो, अलग से करो। गुरुदेव ने कहा नहीं, वो तो मुझे ही कहा है आकर के गुरुदेव ने। अरे भाई, गुरुदेव ने अगर कोई बात कहनी होती तो सभी शिष्यों के लिए कहते, विशेष आपके लिए कैसे कह सकते हैं गुरुदेव? फिर तो कल को मैं भी कहूंगा कि मुझे गुरुदेव ने अलग से आकर के कहा है कि आपका माथा फोड़ दूं मैं। तो ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात हो गई, ये तो बिल्कुल ही एकदम वाहियात स्तर की जो बात होती है वो हो गई। और कहीं ना कहीं इसमें कीर्ति और कंचन ये दोनों शामिल है निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो सत्य है वो सामने आता ही आता है। जैसे भुवनेश्वरी जी का फोन आया था, कर्णिका जी का आपका फोन आया था कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने पहली बार में तो कहा था कि मेरा नेगेटिव चीजें करने का मन नहीं है, मैं तो प्रचार कार्य करता हूँ, कुछ पॉजिटिव करता हूँ तो ठीक। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार आप दोनों का क्या स्वार्थ है इस प्रोग्राम में? अगर गुरुदेव के वास्तविक दर्शन की जानकारी नए लोगों तक पहुंचती है तो इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। आप लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना समय निकाल करके ये काम कर रहे हो। तो क्या गुरुदेव के हर शिष्य की ड्यूटी नहीं है कि वो नए लोगों को बताए कि भाई ये गुरुदेव का दर्शन है, और ये जो नई बातें लोग करें गुरुदेव का दर्शन नहीं है, ये मन घड़ंत कल्पना है। मुझे यहां तक बताया कि उन्होंने जामसर जाने के लिए मना किया कि जामसर मत जाओ 40 दिनों तक, वहां जाओगे तो भूत प्रेत उठा करके ले आओगे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात। हमारे अजमेर में एक मेरी खुद की स्टूडेंट थी, वो पिछले बहुत लंबे समय से नेगेटिव फोर्सेस से परेशान थी। वो कहते ना ऊपरी हवा की समस्या थी, कोई आत्मा भूत उसको परेशान कर रहा था। वो ध्यान कर रही थी तो ध्यान भी ढंग से नहीं कर पाती थी उसकी वजह से। उसने कहा भैया क्या करें? मैं कहा भाई गुरुदेव पास को आता था, गुरुदेव ऐसे किसी व्यक्ति को आता था तो नेगेटिव फोर्स वाला है, तो गुरुदेव उसे कहते थे जामसर जाके आ जाओ। तो उसने कहा अच्छा क्या कहा गुरुदेव ने? मैं कहा गुरुदेव ने जो कहा वो सुनोगे तो हंसी आ जाएगी। कि क्या कहा? मैं कहा गुरुदेव ने कहा कि मेरे गुरु तो शिव हैं और ये सब भूत प्रेत सब उन्हीं के चेले हैं, ये तो मेरे फ्रेंड है। ऐसा गुरुदेव ने जो मजाक में कहा उस दिन कि ये सब तो मेरे गुरु के चेले। तो गंगाईनाथ जी स्वयं आदिनाथ महादेव हैं, और महादेव के यहाँ जाने से कोई नेगेटिव फोर्स उल्टा खत्म होती है कि वो कह रहे कि नेगेटिव फोर्स हो जाएगी आपके साथ आ जाएगी। वो जो लड़की है जो 3 साल से परेशान थी नेगेटिव फोर्सेस से, जब वो जामसर गई, हम लोग साथ ही गए थे, बस लेके गए थे अजमेर से, वो कोई 1-1.5 घंटे तक चिल्ला चिल्ला के उसका ध्यान लगा, और वो जो अंदर आत्मा थी वो कह रही थी कि मेरे को छोड़ दो, आज के बाद कोई परेशान नहीं करूंगी इसको, मैं जा रही हूँ सदा सदा के छोड़ के। वो उस दिन वो दिन है, आज का दिन है, उसको कभी वो फोर्स ने वापस परेशान नहीं किया।
तो जाम सर का कोई विरोध करे कि यार वहां जाने से बुरा हो जाएगा, और कोई नए नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि 40 दिन तक ये नहीं करना है कि 40 दिन तक वो नहीं करना है, मैं तो पूछता हूं आप हो कौन, क्या हो आप, आप कोई गुरु हो? गुरु गुरु भाई 40 दिन प्रचार करने के लिए भी मना करते हैं। अच्छा 40 दिन प्रचार नहीं करना जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी जी, आज थोड़ा सा कट हल्की हल्की धीरे आ रही है, लेकिन आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल, कि 40 दिन प्रचार भी नहीं करना, बताओ आप अब क्या किया जा सकता है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने गुरु का, जिसको गुरु मानते हो, उस गुरु के मार्ग से लोगों को मत जोड़ो 40 दिनों तक, यानी अपने गुरु का कार्य मत करो, क्योंकि अपने गुरु का कार्य करोगे तो गुरु नाराज हो जाएगा तुमसे। इससे ज्यादा वाहियात बात किसी ने कही होगी क्या गुरुदेव के इस मिशन के इतिहास में, कि प्रचार कार्य मत करो, कि जामसर मत जाओ, कि ये मत करो, कि वो मत करो? या और ये भी कहते हैं अगर क्या विशुद्धि चक्र तक, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होने के बाद ही प्रचार करना है, ये भी रिसेंटली अभी मुझे सुनने को आया कि ये भी कहते हैं, तो उससे पहले प्रचार नहीं करना क्या? ऐसे गुरुदेव प्रचार के लिए कुछ ऐसे ऐसे रोक बोलते थे कि as soon as we got initiated we are not able to do publicity, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, we can do, ये तो गुरुदक्षिणा में हम कर रहे हैं ना, तो ये कर सकते हैं। नहीं देखिए गुरुबेन, ऐसा है कि पहली बात तो कौन ये बता सकता है कि कौन सा चक्र तक व्यक्ति पहुंचा है? अब इतने सालों से जो गुरु भाई आराधना कर रहे हैं उसमें किसको पता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति कौन से चक्र तक पहुंची? पहली बात तो ये है, अंदर से गुरुदेव जिसको महसूस कराते हैं उसको पता चलता है, बाहर से कौन बताएगा? पहली बात तो। दूसरा, आपको पता है गुरुदेव का जन्मदिन था, बीकानेर में अवतरण दिवस मनाया था, मैं खुद उपस्थित था उसमें। उस अवतरण दिवस में गुरुदेव बड़े सीरियस होकर के गुरुदेव ने कहा था कि जाओ और इस दर्शन का प्रचार पूरे प्लेनेट पे करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए तुमको आदेश देता हूं। बहुत सीरियस थे गुरुदेव, हमारे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर के, बड़े एकदम करुण भाव से, मतलब आदेशात्मक रूप से गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुमको आदेश देता हूं, जाओ और प्रचार करो इस पूरे दर्शन का। तो वो तो आदेश दे रहे हैं कि जाओ और इस दर्शन का प्रचार प्रसार करो। अच्छा आप मुझे बताओ, जब गुरुदेव ने कोई हजार बार अपने स्पीच में कहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि ये दर्शन विश्व दर्शन हो, तो अगर सारे गुरु भाई ये सोच के बैठ जाएंगे कि मेरा विशुद्धि चक्र तक पहुंचूंगा तो उससे पहले तो प्रचार करना ही नहीं, तो ये दर्शन विश्व दर्शन होगा? ये उस शहर का दर्शन भी नहीं बन पाएगा। कोई गुरुदेव का शिष्य जो आराधना सीरियसली कर रहा है वो एक दिन भी नहीं रह सकता प्रचार के बिना, और कोई व्यक्ति यदि अपने गुरु के कार्य को रोकने की कोशिश करता है, वो कहता है कि नहीं ये प्रचार मत करो, उससे बड़ा गुरु द्रोही और कौन होगा? आप में अगर अकल नाम की थोड़ी सी चीज है, बुद्धि का यदि ब भी है, तो आप ये सोचो कि जो व्यक्ति ये कहता है कि अपने गुरु का कार्य मत करो, क्या उससे गुरुदेव प्रसन्न हो सकते हैं, या वो कहीं से दूर दूर तक भी गुरुदेव के दर्शन से जुड़ा हुआ हो सकता है? ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। आप जैसे भुवनेश्वरी जी बाद में जुड़ी, कर्णिका जी थोड़ा कुछ वर्ष पहले जुड़ी, मैं थोड़ा सा और पहले जुड़ा, ऐसे एक दो नहीं कई गुरु भाई हुए जिनका मैं निवेदन कर रहा था आपको, कई तो दिव्य अवस्था में पहुंच गए, कई पथभ्रष्ट हो गए, जीरो हो गए। एक गुरु भाई है, उन्होंने कहा मुझे अलग आदेश हुआ है कि कुछ गायत्री का जप करना है, मुझे गायत्री का यज्ञ करवाने का आदेश हुआ है, नाम तो नहीं लूंगा, बेचारों ने खूब प्रचार किया हमारे साथ एक समय में, और वो अपने घर पे गायत्री के यज्ञ करवाने लग गए।
आज प्रचार कार्य से इस दर्शन से बिल्कुल कट ऑफ हो गए। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि गुरुदेव ने आदेश दिया है कि हम ही इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, मैं उत्तराधिकारी हूं गुरुदेव के इस दर्शन का। ऐसे भी कई लोग आए जो उत्तराधिकारी बन गए गुरुदेव के, स्वयंभू उत्तराधिकारी। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, वो खुद ही स्वयंभू उत्तराधिकारी बन गए। गुरुदेव ने क्या एक बार मन से उनकी तारीफ कर दी थी कि भाई ये बहुत चेतन है और जो है ये कार्य कर रहे हैं वहां पे, ऐसे ऐसे तारीफ कर दी थी। तो भोले भाले होते हैं बेचारे गुरुदेव के बच्चे तो शिष्य, तो उन्होंने कहा यार इसकी तारीफ की थी उस दिन मन से, अभी ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब जरूर ये उत्तराधिकारी है। मतलब लिटरली यू विल लाफ एट दैट, हंसी आएगी आपको सुन करके कि गुरुदेव के प्रोग्राम्स हो रहे थे और प्रोग्राम्स में गुरुदेव के चरण छूने के लिए लाइन लगी हुई थी, उन शिष्यों के चरण छूने के लिए भी अलग लाइन लगी हुई थी और हम जैसे लोगों को हंसी आती थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये बेचारे जो नए साधक है उनको क्यों भरमाया जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज वो लोग, वो उत्तराधिकारी दूर दूर तक परिदृश्य में दिखाई नहीं देते हैं। एक गुरु भाई ऐसे थे जोधपुर के अंदर जिनके लिए गुरुदेव ने कहा था कि ये जाएंगे और अमेरिका में मेरा पूरा प्रचार ये करेंगे और ये बहुत चेतन है और ये बताएंगे लोगों को। आज 15 साल हो गए उनको देखे हुए, कभी आश्रम आए नहीं और ध्यान कभी किया नहीं उसके बाद। तो दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सच पीपल हैव पॉप अप, दे हैव अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ गुरुदेव्स डिसाइपल्स। इट इज द हिस्ट्री दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इतिहास है, बार बार ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं, फिर वो बहुत सारे लोगों को लेकर के डूबते हैं। जो जो लोग गुरुदेव ने जिन जिन को पकड़ रखा है उनको आप जैसी गुरु बहने कोई प्रयास करती है तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई केवल गुरुदेव के चरण पकड़ने, गुरुदेव के मार्ग पे चलना है तो केवल नाम जपना है और केवल गुरुदेव की फोटो से प्रार्थना करनी, और नहीं तो बेचारे दुर्भाग्यशाली हैं, कोई 40 दिन का सेशन ले रहा है, कोई 50 दिन का ले रहा है और प्रचार कार्य से दूर हो रहा है। दादा गुरुदेव की समाधि जो दुनिया का सबसे चेतन स्थान, आपको पता है हम लोग जब गुरु दर्शन के लिए जाते थे जामसर, वहां शिव मंदिर बना हुआ है, गंगाईनाथ जी का धुणा है और भी खूब सारी जगह है वहां पे। गुरुदेव कहते थे बेटा सीधा समाधि पे जाओ, जब कोई नाथ योगी समाधि ले लेता है उसकी सारी शक्ति उसकी समाधि में होती है। गुरुदेव के श्रीमुख से कहा हुआ है कि वहां जो कुछ है वो सब समाधि के अंदर। तो गुरुदेव तो जब परेशान हुए तो वहां जाकर के गंगाईनाथ जी की समाधि में प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा जब मैं पढ़े, किताब में लिखा है गुरुदेव ने, आप किताब पढ़ लें गुरुदेव की प्रोफेसीज फ्रॉम द होली बाइबल। जब स्टार्टिंग का समय था तो गुरुदेव को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो गुरुदेव ने समाधि पर जाके प्रार्थना की गंगाईनाथ जी से कि महाराज ये ज्ञान जो है ये मेरे से वापस ले लो, ये किसी या तो भगवा वस्त्रधारी को दे दो तो किसी ब्राह्मण को दे दो आप। तो गंगाईनाथ जी ने गुरुदेव से कहा कि लेना देना तो भौतिक शरीर होता है तब तक होता है, भौतिक शरीर तो छोड़ दिया था उन्होंने उस समय। तो उन्होंने कहा तुझे सिद्ध आसन दे दिया, कहीं जंगल में भी जाकर बैठ जा, लोग आ जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा देखो उसमें जोधपुर आश्रम जो था ना वो जंगल में ही था, हम जोधपुर शहर से 15-20 किलोमीटर दूर आते थे, अब तो वो आश्रम में भी आसपास लोग बस गए हैं। तो गुरुदेव ने कहा देखो मैं जंगल में बैठा हूं लेकिन लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आगे कोई ये कहे कि यार समाधि पे मत जाओ, कोई कहे कि अपने गुरु का प्रचार मत करो, उसके बाद भी यदि कोई गुरु भाई या कोई शिष्य उनके पास जाता है और ये 40-50 दिन के कोई सेशंस लेता है तो मैं उसको दुर्भाग्यशाली के अतिरिक्त और क्या शब्द है कहने के लिए, शायद उसके भाग्य में है एक अपूर्णीय क्षति और एक महान विनाश, एक सुनहरा अवसर जो उसको कल की अवतार के रूप में गुरु के रूप में मिला था, कुछ योग भ्रष्ट लोगों की वजह से वो भी पथ से मार्ग से विचलित हो गया। तो आप स्वयं डिसाइड करें कि आपको मैं एक तरफ कहूं कि गुरुदेव का ध्यान करें और दूसरे बोलूं कि नहीं ये गुरुदेव का प्रचार कार्य मत करें, तो आप खुद सोच लें फिर मैं क्या हूं, मैं खुद कितना समर्पित हूं। और आप तो मैं तो कुछ सारी बात छोड़ दो, आप किसी गुरु भाई या गुरु बहन को जो कि सब भिखारी हैं, मैं बार बार ये शब्द कह रहा हूं भिखारी, मत छुओ किसी के पांव,
किसी को सम्मानित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब याचक हैं, सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर के रोते हुए आए हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। कोई बड़ा नहीं है, कोई 20 साल पहले जुड़ गया है उम्र में बड़ा है कि मंच पे खड़ा होकर के बोलता है कि गुरुदेव ने मन से उसका नाम ले लिया है। अरे भाई, वो तो उसका भाग्य है कि भगवान ने उसका नाम ले लिया। भगवान ने उसका नाम लिया, उससे वो बड़ा थोड़ी हो गया। ऐ तो कटोरा लेके खड़ा है बेचारा। जो 40 दिन का सेशन कर रहे हैं वो भी कटोरा लेके खड़े हैं बेचारे, गुरुदेव से मांग रहे हैं कि प्रभु हमको पार कर दो, अविनाशी से जोड़ दो, ताकि ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाए। तो एक कटोरा लेके खड़ा है, वो दूसरा कटोरा लेने वाले से बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अरे भाई, तू पहले अपनी सहायता तो कर ले, पहले तू खुद तो समाधि को प्राप्त हो जा, फिर उसके बाद दूसरों की सहायता कर लेना। नहीं, कर्णिका जी, जी प्रद्युमन जी, एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता है हर सेशन में कि मंत्र जाप नहीं होता है, क्या करें मंत्र जाप? तो शायद इसी के लिए ये चरणामृत और ये सारी चीजें की जाती है। तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है, हमसे होता नहीं है, ध्यान नहीं लगता है, ये सारी चीजें अक्सर साधक पूछते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? जी जी गुरुमन, बहुत अच्छा जो है आपने बिंदु उठाया है, और मैं खुद इसी चीज के बारे में सोचता रहता हूँ पूरे दिन। तो आपको एक इंस्टेंस बताऊं जोधपुर का। हम तो कार्यकर्ता थे, तो वहां लाइन वाइन बनाते थे गुरुदेव के, जो दर्शन करते थे हम खड़े होके लाइन बनवाते थे कि भाई इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो उसमें फायदा ये होता था कि गुरुदेव के सामने खड़े रहते थे, तो गुरुदेव जो फरमाते थे उनके अमृत वचन कान में पड़ते थे। ये भी भाग्य की बात है, गुरुदेव को समझाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बड़ा रोचक किस्सा बताऊं। एक कॉलेज का सा जैसा लड़का होता है वैसा सा एक लड़का उस दिन आया गुरुदेव के, उसने चरण छुए। चरण छुके नॉर्मली क्या होता था, 80-90% लोग तो गुरुदेव से कुछ पूछ ही नहीं पाते थे। वो गुरुदेव का चेहरा देखते थे, वो गुलाबी चेहरा और तेजस्वी, वो उस परसेंट को देख के 90% लोग तो अपने क्वेश्चन भूल जाते थे। कुछ 10% जो लोग हैं या तो बहुत दुखी होते थे या वो मतलब ठान के आते थे कुछ पूछ के रहूंगा आज। इस टाइप के लोग पूछ पाते थे। तो उस लड़के ने गुरुदेव से क्या पूछा, उस लड़के ने पूछा कि मेरा ध्यान ही नहीं लगता है गुरुदेव। तो गुरुदेव जैसे सबको जवाब देते थे, गुरुदेव ने उसको जवाब दिया कि नाम जपो लग जाएगा। तो उस लड़के ने वापस तपाक से गुरुदेव से कहा कि नहीं, मैं तो जपता हूं लेकिन मेरा तो ध्यान नहीं लगता। तो मैंने नॉर्मली गुरुदेव को डांटते हुए कम ही लोगों को देखा है। गुरुदेव ने जोर से डांटा उस लड़के को। हम तो डर गए, गुरुदेव डांटते थे, मैं आपको ऐसा बताऊं, ऐसा लगता था विश्व का अंत आ गया है। सोचो भगवान किसी को डांटे तो क्या होता है, फिर डर शरीर को नहीं लगता है, फिर आत्मा को डर लगता है, अंदर तक कांप जाता है व्यक्ति। ऐसा गुरुदेव की आवाज का वो मतलब वो मैंने देखा है, महसूस किया है। आपके भीतर का जो अंतिम कोना होता है ना, वो भी कांपने लगता है। हालांकि वो तो दयालु है तो वो ध्यान रखता है अपने बच्चों का, लेकिन गुरुदेव ने उसको जोर से डांटा। गुरुदेव ने क्या काम है बताऊं आपको, गुरुदेव ने कहा झूठ बोलते हो कि नाम जप करता हूं। नाम जप करोगे तो चलते चलते रोड पे ध्यान लग जाएगा, ये शब्द कहे गुरुदेव ने। तो अब मुझे जो भी कोई व्यक्ति कहता है ना कि मेरा तो ध्यान अच्छा नहीं लगता है और मैं तो नाम जप करता हूं, तो मैं उसको सीधा गुरुदेव वाली बात बोलता हूं कि भाई या तो तू झूठ बोल रहा है या फिर तूने जिसको बहुत समझ लिया है वो बहुत है नहीं। तू बहुत थोड़ा सा नाम जप करता है और उसको तू कहता है कि मैं बहुत नाम जप करता हूं। तो ये तो बात हो गई कि नाम जप करने पे कोई शिकायत करे ध्यान नहीं लगे उसका, लेकिन आपने एक अलग बात छेड़ी, आपने पूछा कि नाम जप नहीं होता है तो उसका वो क्या है। जैसे एक एड्स का पेशेंट था कर्णिका जी, उसको एड्स हो गया और मौत सामने खड़ी थी। उस वो कैसे ठीक हुआ, उसने अपने घर वालों से कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा 40 दिन नाम जप और ध्यान करूंगा। उसने कहा इस कमरे में कोई नहीं आएगा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, केवल 2 समय खाना पहुंचाने के लिए एक जना आ जाना, बाकी आना ही मत कोई अंदर रूम में।
मौत जब सामने होती ना, डर के मारे उसने 40 दिन भयंकर नाम जप किया, एकदम ठीक हो गया 40 दिन के अंदर अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जब इंसान को किसी चीज की इंपॉर्टेंस लगती है, तब वो सब दरवाजे बंद करके केवल वही चीज करता है। तो जो भी गुरु भाई बहन ये कह रहे ना कि हमसे नाम जप नहीं होता, उनके लिए सच्चाई ये है कि ये आराधना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अगर जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंस होता है इंसान के लिए, तो 40 दिन ऐसे जप सकता है। तो अगर आप आराधना को वास्तव में इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप कैसे भी करेंगे समय निकाल लेंगे, समय निकलेगा। फिर एक जने ने गुरुदेव से पूछा था, वो मैंने सुना नहीं गुरुदेव का, वो जो उनकी किताब में आता था, एक जने ने पूछा कि गुरुदेव नाम जप नहीं होता है, तो गुरुदेव ने कहा बेटा प्रयास करने से सब कुछ होता है। ये गुरुदेव के शब्द हैं, उस किताब में छपे थे, मैंने सुनी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जो सुनी थी आंखों से वो मैंने बता दी आपको, उस किताब में छपा था कि प्रयास करने से सब हो सकता है। ये तो हो गई वो वाली बात। लेकिन जैसे मैं क्या करता हूँ, या बाकी जिन गुरु भाई बहनों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वो आराधना बहुत अच्छी करते हैं, तो वो भी भिखारी लेकिन आराधना अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ तुम क्या करते हो, तो वो ये कहते हैं कि यार दिन भर काम करते करते नाम जपने की जहां तक बात है, अगर मुझसे हो नहीं पाता तो मैं क्या करता हूँ, एक घंटा सुबह केवल नाम जप करता हूँ, फिर 15 मिनट ध्यान करता हूँ, रात को भी ध्यान करने के पहले कर लेता हूँ, नहीं तो ध्यान करने के बाद सोने से पहले एक घंटा अलार्म लगा करके केवल नाम जप करता हूँ। तो मैंने कहा उससे क्या लाभ हुआ? उसने कहा मैंने इसे 10-15 दिन किया, मेरा अजब अजब शुरू हो गया उसके बाद। तो आप अलग से समय निकालो उस नाम जप के लिए। अगर आपको विश्वास है गुरुदेव की इस बात पे कि नाम ही चाबी है, तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। वैसे गुरुदेव ने जो कहा है वो करना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव ने कहा है तेल की धार की तरह जपो, साइकिल की चेन की तरह जपो। जब तेल गिरता है तो उसकी धार में कहीं ब्रेक नहीं होता, टूटती नहीं वो धार बीच में कहीं पर भी। तो हमको जपना तो वैसे चाहिए, याद रखना चाहिए कि तेल की धार की तरह जपना है, ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है ऐसा, तो फिर आप अलग से समय निकालो उसके लिए, एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को निकालो। धीरे धीरे अजब अजब शुरू हो जाएगा, तो फिर बाद में फिर भुवनेश्वरी जी जैसी स्थिति हो जाएगी, नाद द्वाद सुनाई देने लग जाएगा तो आनंद आ जाएगा फिर उसके बाद। मुझे सुनाई नहीं देता नाद, तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ जिसको नाद सुनाई देता है उससे, मेरी पत्नी को सुनाई देता है तो मेरे जिन स्टूडेंट्स को मैंने बताया, कईयों को ध्यान करवाया, उनको सबको नाद सुनाई देता है तो मैं कहता हूँ गुरुदेव फिर मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे भी तो नाद सुनाओ लेकिन गुरुदेव नहीं सुनाते हैं। गुरुदेव कहे बेटा नाम जब प्रचार कार्य कर, तुम सबको आंखें बंद करके बैठा दूंगा, प्रचार कौन करेगा तो मैं कहा ठीक है गुरुदेव, ये है जी गुरु बहन। ये लोग जो तामसिकता के, तामसिकता बोल के ये जो प्रचार करवा रहे हैं, और ये जो एक्चुअली गुरुदेव ने तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की गुरुदेव ने तो ये मुझे ये बहुत थोड़ा अच्छा नहीं लगा गुरु भाई मुझे पर्सनली ये, क्योंकि इसके लिए मैं प्रश्न रख रही हूँ, क्योंकि ये जो करवाया जा रहा है तामसिकता के नाम पे, गुरुदेव ने तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, तामसिकता या फिर ये भूत पकाने का ये सब गुरुदेव को ऐसे बोलते हैं ना, तो आई पर्सनली फील कि ये अपने गुरुदेव की फिलॉसफी के साथ ये कुछ इट्स अन्याय हो रहा है, सच एन इंसल्ट, तो इसको प्लीज इसमें कुछ इस बारे में कुछ बोलिए। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, गुरुदेव ने कृपा करके, जैसे मुझे बहुत ज्यादा अब थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा होते थे मेरे दिमाग में, और गुरुदेव सामने होते भी थे तो पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं आपको सच बताऊं, मैं गुरुदेव ने सानिध्य तो खूब दिया, लेकिन मेरी हिम्मत बहुत कम हुई गुरुदेव से कुछ पूछूं। वो अंदर वाला चुपचाप बैठा रहता था, गुरुदेव को देख के हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। तो गुरुदेव क्या करते थे, तो जो जो प्रश्न होते थे ना, उनका उत्तर कहीं जैसे महर्षि अरविंद की किताब हो गई, या विवेकानंद की बुक हो गई, या ऐसे कहीं न कहीं से वो जवाब, या आपने किसी स्पीच में गुरुदेव उसको बोल देते थे। तो बेसिकली गुरुदेव जो है वो
अपने स्पीच में कई बार कहा है गुरुदेव ने कि मानवता के भविष्य को जितना निकट से महर्षि अरविंद ने देखा है उतना बहुत कम लोग देख पाए। और फिर गुरुदेव ने एवोल्यूशन थ्योरी की बात की है ना। अब मुझे उसके लिए हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है एवोल्यूशन थ्योरी को क्या बोलते हैं, लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है कि हम बेसिकली संक्रमणशील प्राणी हैं। जैसे अरविंद ने इंग्लिश में लिखा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज ऑन टू अ जर्नी, ही इज नॉट फाइनल, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ डिसेंट ऑफ 10th incarnation, he will reach that final stage. अरविंद ने ऐसा इंग्लिश में लिखा है, हिंदी ट्रांसलेशन करूं अगर इसका तो वो ये है कि एवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है कि इंसान इवॉल्व हो रहा है, निरंतर विकसित हो रहा है और विकसित होते होते वो आज की स्थिति तक पहुंच गया है। गुरुदेव हमेशा ऋग्वेद का, गुरुदेव के आश्रम में भी जोधपुर में गुरुदेव ने 7 कोष वाली चीज लगवा रखी थी और गुरुदेव बहुत बार स्पीच में कहते हैं कि ये जो है हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋषि जब शरीर की बात करता है तो कहता है इसमें 7 कोशों के अंदर आत्मा है और फिर वो कहता है कि यहाँ से मूलाधार से लगा के इस आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक तो 4 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। लेकिन इस आज्ञा चक्र का भेदन हुआ नहीं तो इससे ऊपर वाले जो 3 कोश हैं, जैसे गंगाई नाथ जी महाराज आप देखो कहते यहाँ त्रिपिंड लगाई हुई, 3 लाइनें लगाई हुई, नाथ योगी लगाते हैं त्रिपिंड, 3 लाइन होती है ऐसी, वो जो 3 लाइन या त्रिपिंड है वो ऊपर वाले 3 कोशों का प्रतीक है, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश। सतमय कोश के अंदर वो आत्मा, ईश्वर कह दो आप उसको, कृष्ण कह दो, वो विराजमान। तो गुरुदेव कहते थे कि मेरा तो मामला इससे ऊपर ऊपर शुरू होता है। ये गुरुदेव कई बार कहते थे कि मेडिकल साइंस समझती नहीं इससे ऊपर, ब्रेन को समझती नहीं है, डर लगता है उसको, मेडिकल साइंस को भी, नर्वस सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है उसको हाथ लगाते हुए डरता है। वो कहते हैं हम इससे ऊपर ज्यादा समझते नहीं है ब्रेन वाला मामला। तो अरविंद ने लिखा है कि साइंस की गलती ये है कि वो ब्रेन को सब कुछ समझ लेती है कि मस्तिष्क की फाइनल। मस्तिष्क तो बेचारा एक कम्युनिकेशन सेंटर है, वो जो ऊपर 3 कोश है उसका। तो गुरुदेव, कई बार गुरुदेव ने ऐसा स्पीच में कहा है कि वो जो 3 कोश अनटच्ड हैं, अब तक स्पर्श नहीं हुआ किसी ने, वो इस आराधना से चेतन होंगे और आज्ञा चक्र का भेदन जो दुनिया का सबसे कठिन कार्य है वो केवल सिद्ध मंत्र के द्वारा सिद्ध गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि जब गुरुदेव दीक्षा नहीं देते थे और बीच में गुरुदेव ने काफी समय दीक्षा बंद कर दी थी, गुरुदेव कहते थे हाँ गुरु गुरु जप लो, ना मंत्र नहीं देते थे, तो गुरुदेव ने कहा किसी भी नाम से यहां तक तो पहुंच जाओगे आज्ञा चक्र तक, इससे ऊपर नहीं जाओ पाए, इसके ऊपर तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी जो मैं दे रहा हूं मंत्र। तो गुरुदेव तो एवोल्यूशन थ्योरी की बात करते हैं, गुरुदेव तो मानवता के भविष्य को अरविंद ने कितना गहराई से देखा उसकी बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं वो जो अंतिम 3 कोश है मैं उनको चेतन करने आया हूं, आनंद चित्त और सत, उल्टा कर दो तो सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद, कृष्ण को सच्चिदानंद कहा है। ये जितने भी भूत प्रेत नेगेटिव फोर्सेस ये सब इस आज्ञा चक्र से नीचे नीचे के जगत में है, माया के जगत में, इससे ऊपर का जो जगत है वो ब्रह्म का जगत है, वहां ये कोई भी नहीं है। हमारे ऋषियों ने इसी बात को बड़े गजब तरीके से समझाया, उन्होंने कहा 3 लोक से मथुरा न्यारी, आपने सुना होगा भी, योगी कहते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी इस आज्ञा चक्र से नीचे नीचे माया का जगत है, यहाँ 3 लोक है और मथुरा इससे ऊपर है, वो कृष्ण यहाँ बैठे हुए, वहां केवल आनंद ही आनंद है, आनंद है, आनंदमय कोश, चित यानी चेतना ही चेतना और सत यानी सत्य के दर्शन होने वहां पे। तो गुरुदेव, एक किसी शिष्य ने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव ऐसे नेगेटिव फोर्स होती है, होती है। गुरुदेव ने कहा बेटा मुझसे 10 किलोमीटर दूर से जाती वो, आसपास भी नहीं फटकती है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम जप रहा है, समस्या केवल गुरुबेन एक ही व्यक्ति को होती है जो एकनिष्ठ नहीं, उसकी आदि आस्था गुरुदेव में है, आदि पितर जी में है, आदि भैरव जी में है, आदि किसी और निम्न स्तर की शक्ति में है, आदि आस्था 40 दिन के चरणामृत में है, तो समस्या है। अगर पूर्ण आस्था केवल गुरुदेव में है
और राधा और कृष्ण का नाम जप रहा है। नेगेटिव फोर्स आना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरे बड़े फेवरेट और प्रिय जो योगी हुए वो है आदि गुरु शंकराचार्य, मुझे बहुत पसंद है। गुरुदेव बार बार ये कहा करते थे कि मैं उस दर्शन की बात कर रहा हूं जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रूव कर दिया था, अद्वैत दर्शन। यानी दो है ही नहीं, एक ही है। आत्मा सो परमात्मा, आप तो स्वयं ईश्वर का अंश हो, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है। उन्होंने एक श्रोत लिखा, चरपट पंजरी का श्रोत, उसमें वो कहते हैं एक किसी बूढ़े आदमी को देखा उन्होंने, वो बूढ़ा आदमी कुछ ऐसे कर्मकांड कर रहा था, तो उन्होंने उससे कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। उन्होंने कहा मैं तीन बार कह रहा हूं क्योंकि काल भी तीन है, भूत भविष्य और वर्तमान, देवता भी तीन है या शग माया के रूप भी तीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो जो भी चीज तीन बार कही जाती है वो अकाट्य हो जाती है, उसको मानना ही पड़ता है, वो यूनिवर्सल हो जाती है। वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कि हे मूर्ख गोविंद का भजन कर, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, बहुत जल्द तेरी मृत्यु आने वाली। किन चीजों में पड़ा हुआ है? नहीं नहीं रक्षति दुक्रूम में करने, केवल कृष्ण के नाम के अतिरिक्त और कोई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा, भज गोविंदम। उसमें वो आगे कहते हैं तस्यम यस्य मुरारी समर्च्याम तस्य यमह नहीं कुरते चर्चाम। आप सुनना इसका अर्थ कितना गजब है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मुरारी के नाम का स्मरण करता है, मुरारी कहते हैं कृष्ण को, तस्य यमह नहीं कुरते चर्चाम, यमराज भी उस व्यक्ति के नाम की चर्चा नहीं करते हैं जो भगवान कृष्ण का नाम जप रहा है। तो यमराज भी डरते हैं उस व्यक्ति से जो कृष्ण का नाम जप रहा है, उसके नाम की चर्चा तक करने से भयभीत रहते हैं। तो सोचो नेगेटिव फोर्स और आप मतलब किन चीजों की बात कर रहे हो। जो रचयिता, ब्रह्मा जी को रचयिता माना जाता है, जो ब्रह्मा का रचयिता है, भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन काल के द्वारा बाधित है, ब्रह्मा नष्ट होते हैं, उसके बाद में नई सृष्टि में नए ब्रह्मा को जन्म देता हूं। तो जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा के भी पिता हैं, जो रचते हैं सबको। और अरविंद ने लिखा है 24 नवंबर 1926 को कृष्ण का अवतरण हुआ, गुरुदेव वो है जो ब्रह्मा के पिता हैं। तो वो कह रहे हैं कि नाम जपो, और एक आप जैसा मुझ जैसा साधारण सा कोई शिष्य आकर के कहता है कि नहीं नहीं ये 40 दिन तक ये करो। अब आप देख लो आपको किसकी बात सुननी है, आपको गुरुदेव की बात सुननी है, जिनका नाम लेता है अगर कोई तो यमराज तक उसकी चर्चा नहीं कर सकते। नेगेटिव फोर्स तो कहां रह गई, कहां रह गई नेगेटिव फोर्स, आसपास भी नहीं रहती। गुरुदेव ने तो कई बार मजाक में कहा स्पीच में, ये नाम जपोगे तो पड़ोसी के भी रोग नहीं रहेगा। तो जब पड़ोसी के भी नेगेटिव फोर्स छोड़ के चली जाएगी जो नाम जप नहीं कर रहा है, तो जो व्यक्ति खुद जपेगा उसका तो कितना कल्याण होगा आप सोच ही सकते हो। और मुझे आपको मैं बताऊं, ऐसी कोई बात बोलता है ना तो मुझे खुद शक होता है कि क्यों कोई चीज पीने के लिए दी जा रही है या कोई चीज खाने के लिए दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद किसी नेगेटिव फोर्स का प्रयोग कर रहे हैं, और नेगेटिव फोर्स का प्रयोग करने वाले लोग पता है जामसर जाएंगे तो असर उतर जाएगा, इसलिए मना कर रहे हैं कि नहीं जामसर मत जाओ, कि गुरु कार्य मत करो, नहीं तो हमारे इस चीज का जो असर उतर जाएगा। आपको पता है एक बहुत अच्छे गुरु भाई है, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो आशाराम बापू जो था ना उसके चक्कर में फंस गए थे, और बाद में गुरुदेव का उनका परिवार का ही व्यक्ति गुरुदेव पास आया, उसने कहा गुरुदेव इसको हम लाते हैं, ये वापस चला जाता है वहां पे, फिर घर लाते हैं फिर चला जाता है वहां पे। गुरुदेव ने क्या कहा आपको पता है, गुरुदेव ने कहा बेटा इसको कुछ अखाद्य खिला दिया है, ये जितनी भी तांत्रिक आराधनाएं करने वाले निम्न आराधनाएं करने वाले लोग होते हैं ये कुछ ना कुछ कुछ खिलाते हैं या कुछ ना कुछ पिलाते हैं, इस वजह से बेटा ये घर पे रुकता नहीं। इस बार जब आए तो मेरा जो लौंग है, गुरुदेव जब सोते थे तो अपने सिरहाने लौंग रख के और सोते थे, तो गुरुदेव ने कहा मेरे शरीर से वो गायत्री का प्रकाश निकलता है तो वो उस लौंग में जाता है तो उससे असर उतर जाता है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये खिलाना, और फिर वो व्यक्ति नाम जब ध्यान करने लगे बहुत समर्पित हो गए। ठीक है, ये जब कोई खिलाने पिलाने की बात करता ना मेरे को उसी समय शक होना शुरू हो जाता है
कि कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद बेचारे नेगेटिव फोर्सेस के कंट्रोल में आ गए और जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं इस मिशन को उतना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे एक मैं आपको बताया गुरु भाई ये, वो कहने लग गया कि मैं तो गायत्री का यज्ञ करूंगा। बहुत सारे गुरुदेव के ध्यान करने वाले शिष्य उसके चक्कर में आ गए और वो भी पता नहीं कुछ गायत्री का यज्ञ कर रहे थे, कई लोग उसमें से आउट हो गए और इस तरह की बात हुई। सिंपल सी बात है, जब गुरुदेव ने कोई बात नहीं कही तो आपको करने की क्या जरूरत। गुरुदेव ने कहा बेटा इस कृष्ण के नाम में वो शक्ति, तो आप केवल नाम जपो। गुरुदेव ने कहा दोष में मेरा ध्यान करना है तो केवल गुरुदेव का ध्यान करो। उसके बाद मैं कहता हूं कि भुवनेश्वरी जी कहती हैं कि कर्णिका जी कहते हैं कि कोई भी कहता है कि और कुछ कर लो, अब बुद्धि है तो मत करो भाई, गुरु की बात मानो। और विवेकहीन व्यक्ति है तो उसका तो फिर इस लोक में और उस लोक में दोनों में कल्याण नहीं हो सकता। विवेक का इस्तेमाल तो करने पड़ेगा आपको। गुरुदेव ने किसी स्पीच में ऐसा कह दिया हो हाँ कि भाई मैंने फलाने फलाने शिष्य को कुछ गुप्त आदेश दिया है और वो चलाएगा 40 दिन का सेशन, तो आप मान लो। तो गुरुदेव के स्पीच में कहीं नहीं है, हम जो दिन रात गुरुदेव के साथ रहे हम कह रहे हैं ऐसा गुरुदेव ने कभी कहा नहीं, तो अब आप देख लो किसकी बात माननी चाहिए आपको। जो आपको ये कहता है कि गुरु का कार्य मत करो, उससे बड़ा गुरुद्रोही कौन हो सकता है। जो ये कहता है कि जाम सर मत जाओ, जो आपको पता है हम लोग, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताऊं आपको। बीकानेर में प्रोग्राम था, हम लोग अजमेर से बस लेकर के गए थे, ठीक है। और वो प्रोग्राम जो था वो बरसी के दिन था, जिस दिन गंगाई नाथ जी महाराज की बरसी थी। आपको पता है एक बार बरसी आती दादा गुरुदेव की, है ना, जिस दिन समाधि ली थी उन्होंने उस दिन बरसी आती। तो हम लोग क्या, गुरुदेव प्रोग्राम थोड़ा लेट था तो पहले सुबह चले गए जामसर और दर्शन करके फिर प्रोग्राम में आ गए। और प्रोग्राम में गुरुदेव ने पता है क्या कहा, गुरुदेव ने कहा कि वहां जाओ जामसर क्लॉकवाइज, गुरुदेव इंग्लिश भी बोलते थे ऐसे कि क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा लगा के प्रार्थना कर लो, जो मांगोगे मिल जाएगा, आज बरसी का दिन है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो प्रोग्राम खत्म हुआ गुरुदेव का, उसके बाद हम तो अजमेर जाने वाले थे। अब बीकानेर से अजमेर इधर पड़ता है, जामसर बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है। तो हम लोगों ने सब ने तय किया कि यार सुबह गए तो थे लेकिन क्लॉक वाइज 7 परिक्रमा लगाई ही नहीं लगाई, पता नहीं। गुरुदेव ने तो कहा ऐसे, हम बस लेके वापस गए जामसर क्योंकि हम लेट हो रहे थे, तो भी गए कि गुरुदेव ने कहा है तब तो वहां क्लॉक वाइज 7 परिक्रमा लगा के आएंगे समाधि पे। और गुरुदेव ने कहा जो मांगोगे मिल जाएगा, तो फिर जिस को जो मांगना था उन्होंने मांगा। तो प्रभु तो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वहां जाओ और प्रार्थना करो, और एक साधारण सा भिकारी शिष्य, आप और मुझ जैसा भिकारी शिष्य कहता है कि नहीं आप ऐसा मत करो, तो अब क्या किया जा सकता है। दुखी हो सकता है उनके लिए, दुख प्रकट किया जा सकता है। जैसे एक गुरु भाई अपने अभी कैनेडा में रहते हैं और बहुत समर्पित हैं, और वो बता रहे थे उनको ज्यादातर जब भी गुरुदेव दिखते हैं जोधपुर आश्रम में बैठे हुए दिखते हैं। जोधपुर आश्रम में जो हॉल है उस गद्दी पर विराजमान दिखते हैं गुरुदेव जब भी दर्शन देते हैं। तो जोधपुर आश्रम भी उतना ही पवित्र है जितना जामसर पवित्र है ना। बाकी काजलवास की जहां तक बात है तो आप गुरु भाइयों के अनुभव सुने, ऐसे ऐसे कई गुरु भाई जिनका दुनिया में कहीं ध्यान नहीं लगा, काजलवास में जाते ही ध्यान लग गया। तो वहां तो सारे के सारे नाथ विराजमान है, शिव साक्षात विराजमान है वहां पे। तो मुझे लगता है ये लोग कुछ न कुछ नेगेटिव फोर्स से संचालित हैं खुद भी, और बाकियों को भी उस नेगेटिव फोर्स से जोड़ना चाहते हैं शायद, या पता नहीं ये खुद कर रहे हैं कि कोई शक्ति उनसे करवा रही है, नकारात्मक शक्ति उनसे कुछ करवा रही है, कि धन का लालच है, कीर्ति की चाह है, प्रभु जाने जो भी है। लेकिन आपकी मेरी हम सब लोगों की ड्यूटी है, जो भी गुरुदेव से प्रेम करते हैं उन लोगों की ड्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति, मैं भी क्यों ना हो आप भी क्यों ना हो, कल को यदि गुरुदेव के मिशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट हम प्रयास करें कि वो ऐसा न कर सके।
एक शिष्य के रूप में हमारा कर्तव्य है। आज आप में हम यहाँ खड़े होकर के बैठ के बात कर रहे हैं, है ना, रात के 11 बजे से ऊपर हो गया है, सब अपनी फैमिलीज को, बच्चों को छोड़कर के यहाँ हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्या हमारा कोई भौतिक लाभ है या हमारा कोई उसमें स्वार्थ? नहीं, केवल इसलिए कि हमको सबसे ज्यादा प्रेम गुरुदेव से, इसलिए रात को जग करके केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। तो भगवान के मिशन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, जो उसके साथ कई लोग और डूबते हैं उनके लिए दुख होता है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। जी, मुझे लगता है मैंने आपका बहुत समय ले लिया, ये सेशन जो है 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो भाई लाइक मालूम ही नहीं पड़ा कि 1 घंटा हो गया। बहुत आनंद आ रहा था, अमेजिंग सेशन इट वाज। आपने भी मतलब आपने भी बुलाया, हमने बुलाया तो रियली। जी जी, मुझे सबसे देखो आप आश्चर्य की बात बताऊं मैं आपको, आई वाज अ पर्सन हु हैड अ लॉट ऑफ स्टेज फियर। मतलब मैं वो व्यक्ति था कि मुझे मंच पे खड़े होने से डर लगता था, मैं मंच पे खड़ा होने से डरता था। और कर्णिका जी सामने है ना, इसलिए बता रहा हूं बात, मैं कभी मंच पे खड़ा होकर नहीं बोलता था, इतना मुझे स्टेज फियर था गुरुदेव से जुड़ने से पहले। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्पोक ऑन एनी स्टेज, तो उदयपुर में प्रोग्राम थे, कर्णिका जी वहां एक पीजी हॉस्टल है उसका नाम है गार्गी हॉस्टल, तो कर्णिका जी जो है वहां से, एक्चुअली क्या गुरुदेव का एक इंग्लिश में प्रोग्राम होना था वहां पे, रेलवे का एक बड़ा सभागार था, वहां सारे ऑल ओवर इंडिया के लोग थे। तो एज आई वॉज अ बिट फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो मुझे उन्होंने फोन किया गुरु भाइयों ने कि आप दिल्ली से यहाँ आ जाओ, मैं उसमें यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में, तो क्या आप इंग्लिश में बोल लोगे? मैंने कहा, गुरुदेव का नाम लेके बोल दिया, मैंने हाँ बोल लूंगा, क्योंकि मैं उससे पहले कभी बोला नहीं था। सबसे पहला जिंदगी में कब बोला? कर्णिका जी मुझे गार्गी हॉस्टल लेके गए। कर्णिका जी को तो याद भी नहीं होगा कि हम वहां गए, और वहां उन्होंने बोला कि गुरु भाई आए, ये अभी बोलेंगे। मेरे है ना पांव थर थर कांप रहे थे मैं क्या बोलूंगा। और अभी ऐसा होता है कि संडेज को सेशंस होते हैं, द पीपल फ्रॉम ऑल ग्लोब, ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब कम, यूएसए के, यूके के लोग आते हैं, और मुझ जैसा अयोग्य व्यक्ति, गुरुदेव की दया है, जो घोड़े हैं वो तो दौड़ लेते हैं लेकिन जो खच्चर होता है उसको दौड़ाते हैं वही गुरु है ना। तो जिन लोगों के पास भगवान ने सारे गुण दिए हैं उनका विकास हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत पीछे थे, हर चीज में पीछे थे, उनको भी गुरुदेव ने जब उनके जो है, मतलब गुरुदेव के माथे की धूल, जैसे ही श्री चरणों की धूल माथे पे लगाई, जिंदगी एकदम से चेंज हो गई है ना। वो जो एक संस्कृत में है ना द्विज, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म, तो वास्तव में इंसान का दूसरा जन्म होता है। गुरु जैसे ही मिलता है, गुरुदेव जैसा गुरु तो देखो कोई हुआ नहीं आज तक, है ना। हाँ, जैसे आप देखो विवेकानंद को कितना प्रेम था अपने गुरु से, मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए शिष्य को। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रामकृष्ण के बारे में कुछ बताओ, विवेकानंद जी ने कहा मत पूछो मुझे, अगर मैंने मेरे गुरु रामकृष्ण के बारे में बताना शुरू किया तो लोग राम और कृष्ण को भूल जाएंगे, ऐसे मेरे गुरु। प्रेम देखो आप उनका अपने गुरु के प्रति, ठीक है, गुरु के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, न शादी की, गुरु के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया कि पूरी दुनिया में उनके दर्शन का प्रचार प्रसार हो, जो करोड़ों रुपए उनको मिले उन करोड़ों रुपए से उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया अपने गुरु के नाम से, जीवन की अंतिम सांस तक अपने गुरु को समर्पित करके और कर्म करते रहे, ये होता है शिष्य। कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, केवल गुरु का कार्य, गुरु का नाम, गुरु का मिशन। और एक हम लोग हैं जो गुरुदेव के मिशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें जो नए लोग आए हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, भगवान जाने क्या स्वार्थ है उनका, या वो किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा पदभ्रष्ट हो गए इसीलिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुख होता है जी देख करके,
गुरु भाइयों की संख्या 10 है तो 10 से 12 होनी चाहिए, 10 से 8 नहीं होनी चाहिए। होती है तो फिर वासुदेव की लीला है, क्या किया जा सकता है उसमें, है ना। तो मेरे हिसाब से आप सबको थोड़ा समय हो गया है, रात हो गई है, बच्चे वेट कर रहे होंगे आपका। नहीं जी, प्रतिमा जी आप पधार गए और बहुत ही मतलब जो ये सेशन है बहुत स्पेशल है और इतना प्रकाश डाला गुरुदेव के दर्शन पे और कई चीजों से जो है आपने मतलब रूबरू करवाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्रेम है गुरु में इसलिए आपको ऐसा लगा। जय गुरुदेव। ये गुरुदेव का प्रेम है जी, जो हम गुरुदेव का प्रेम है, चर्चा भी चल रही है वही करवा रहे हैं सब कुछ जी। जी पता नहीं इसमें और किसी का लाभ होगा नहीं होगा, मेरा तो लाभ होगा, इतने गुरुदेव का नाम लिया है। गुरु भाई ध्यान लग रहा था बीच में। जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।